नमस्कार दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो मुझे मेरे प्रिय मित्र मिस्टर विनीत ने रिकॉर्ड करके भेजा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको देवता महाराज श्री बद्री नारायण जी और श्री बायोमेटिंग किलबा जी के इतिहास के बारे में बताऊँगा। हिमाचल प्रदेश मुख्यतः 30 रियासतों से मिलकर बना है, जिसमें बुशहर रियासत भी एक रियासत हुआ करती थी। किन्नौर भी उसी रियासत का हिस्सा था। दोस्तों, वर्तमान समय में जिला किन्नौर क्षेत्र में एक बहुत ही सुंदर गाँव है, जिसका नाम है किलबा गाँव। किलबा में भी एक जगह है जिसका नाम है बायोमेटिंग। बायोमेटिंग एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, जो उस समय पांडवों द्वारा अपने अज्ञातवास के समय में एक ही रात में बनाई गई थी। दोस्तों, आप सोच सकते हैं इस जगह के आराध्य देव श्री बायोमेटिंग जी किलबा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये बात है सैकड़ों हजारों वर्षों पहले, जब श्री बद्री नारायण जी और उनके भांजे श्री बायोमेटिंग जी किलबा गांव में दैवीय रूप में विद्यमान थे। एक दिन किलबा गांव में पानी की इतनी समस्या हो गई थी कि पानी पीने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था, साथ ही वहां पे पानी बूंद बूंद बराबर था। किलबा के सभी लोग जो है वो त्राहिमाम कर रहे थे। लोगों की पीड़ा को देखकर देवता रूपी श्री बद्री नारायण जी, जो कि बायोमेटिंग महाराज किलबा के मामा श्री हैं, दोनों पानी की तलाश में शाटुल घाटी पहुंचे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शाटुल घाटी पहुंचते ही देवता महाराज बायोमेटिंग किलबा जी जोर जोर से सीटियां बजाने लगे। सीटियों की अत्यधिक तेज ध्वनि सुनकर वहां पर 16 सावणी प्रकट हो गई। उन्होंने यह सब करने का कारण जब जाना तो बायोमेटिंग जी ने कहा कि मैं पानी की तलाश में आया हूँ। यह कहकर बायोमेटिंग किलबा महाराज ने किलबा की शुष्क जमीन पर 17 घराट जितना पानी निकाल दिया। मौला जी, अब आज तक पानी वगैरह नहीं था, हमने घराट घुमा लिया। मैंने घराट घुमा लिया, तो पानी निकला गया। ओ बड़ा, आपको ठानिया नहीं मिलेगा, वो पीछे से आने वाला है, वो जो अभी देता है दो भाई। आपको ठान यहाँ से जरूर तहसील में, वो द्वारंग में। अच्छा, आपको ठान हुआ है। दोस्तों, पानी की समस्या तो पूरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद श्री बद्री नारायण जी और भांजे श्री बायोमेटिंग जी किलबा वापस किलबा गांव पहुंच गए। और इसके बाद मामा बद्री नारायण जी के आदेशानुसार बायोमेटिंग जी किलबा ने अपना स्थान रोड क्षेत्र में ग्रहण कर दिया। दोस्तों, रोड़ू क्षेत्र में पहुंचते ही बायोमेटिंग जी शाटुल घाटी की सभी सिद्धियों का प्रदर्शन करने लगे, लेकिन रोड़ू क्षेत्र के सभी देवतागण उनकी शक्तियों को देखकर हैरान हो गए। यह सोचकर कि यह शक्तिशाली देवता हमारे ऊपर राज करने आया है, उन्होंने बायोमेटिंग जी महाराज के साथ छल करने का प्रयास किया और आसमान से एक तेज धूप की किरण निकाल दी, जिससे उन्हें प्यास लगी और पानी पीने के लिए भौंरा बनकर घड़े के अंदर चले गए। दोस्तों, जब वो घड़े के अंदर गए तो ऊपर से किसी ने गाय की खाल डाल दी, जिसकी वजह से वो वृष्ट हो गए।
दोस्तों आज भी किलबा गांव में पानी के भरपूर स्रोत हैं जो कि स्वयं बायोमेटिंग किलबा जी के द्वारा उत्सर्जित किए गए हैं। दोस्तों रोडू क्षेत्र में बायोमेटिंग किलबा अब किलबालू देवता के नाम से प्रसिद्ध है। आज जो भी वहां पे किलबालू देवता है रोडू में वे इनके अंश स्वरूप है। आज भी देवता महाराज बायोमेटिंग किलबा यहाँ पर स्नान करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ उनकी जन्मस्थली है। दोस्तों किलबा गांव की समस्त जनता के अनुसार श्री बद्रीनारायण जी विष्णु के रूप हैं और साथ ही साथ जो बायोमेटिंग जी किलबा हैं वे नाग देवता कहे जाते हैं और इसी तरह से दोनों मामा भांजे लोगों की आस्था का प्रतीक बने हुए हैं। देवता महाराज बायोमेटिंग किलबा जी की किलबा गांव के ऊपर विशेष कृपा बनी हुई है। दोस्तों किन्नौर जिले के किलबा गांव में श्री बद्रीनारायण जी रथ रूप में विद्यमान हैं। कहा जाता है कि यदि श्री बायोमेटिंग जी को रथ रूप दिया गया तो वो वहां से गुप्त हो जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको देवता महाराज श्री बद्रीनारायण जी और बायोमेटिंग किलबा की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर आप कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद। पब्लिक समीक्षित ही होनो किनाउनु चाकन चुनि नानो किनाउनु निचा दौना चाहिँ इन्यो माया जी हो ताकल लखन त किनाउन दाबा ताकल किनो यो चीज खर्चा छतिया लागे नि दु दुकानी आतु नि माता मा हुकुम छतिया ला लन्दु बाले सु पचन सेन्दु नि बाले सु पब्लिक को नि हो न त हम पछि दोनी बिकिन हुकुम ला द दे पूजा लानु मा लाडी पुलिस आबी त जो हाजिरै मा दुनु मालिक पास दिन बस गया।